नमस्कार किसान भाइयों, एक और नया वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है सेत राम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं लीफ माइनर की टॉप 4 मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में जो बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसा कि अभी आप वीडियो के फुटेज में देख सकते हैं, यह लीफ माइनर लगा हुआ है पत्ती के ऊपर में। कीड़ा जो है ऊपर का जो क्लोरोफिल का हिस्सा है उसको खा गया है, जिसे सफ़ेद सफ़ेद लकीर लकीर बन गया है, इसे ही लीफ माइनर कहते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, आप जब भी लीफ माइनर दवाई का स्प्रे करें तब आप सिलिकॉन बेस चिपकों का जरूर उपयोग करें। जो भी पेनिट्रेटर होता है, स्पीडर होता है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चौथे नंबर पर हमने रखा है थेमेथग्जाम 25% WG। ये कई कंपनियों की आती है, आप किसी भी कंपनी की भी ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में 15 ग्राम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 100 से 150 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हमने रखा है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट भी कई कंपनियों की आते हैं, जैसे ट्रॉपिकल की टैग एंड बोज, और हर कंपनी की अलग अलग नाम से आती है, जैसे सिंजेंटा की प्रोक्लेम के नाम से। वैसे इमामेक्टिन बेंजोएट को आप 10 ग्राम को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति टंकी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी 100 से 150 ग्राम को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर हमने रखा है लेमडा साइलोथ्रिन 4.9%, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो लेमडा है इसका इस्तेमाल आपको 15 लीटर पानी में 30 ml दवाई, मतलब 300 ml दवाई को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पहले नंबर पर हमने रखा है अवामेक्टिन, जो कि क्रिस्टल कंपनी की अबासिन के नाम से आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई, मतलब 200 लीटर पानी में 200 ml दवाई को घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब ट्रांसलेमिनार एक्शन वाली है। ट्रांसलेमिनार एक्शन मतलब ऊपर अगर आप स्प्रे करेंगे तो वह नीचे तक फैल जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। वहीं आप एलो ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में। उसके बाद जब स्टार्टिंग आपको स्टार्ट में लगने शुरुआत में लगने लगता है कि आपके फसल में लीफ माइनर का अटैक लग गया है, तो आप शुरुआती में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन चारों दवाइयों में से किसी एक का, और आपका जो लीफ माइनर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।